एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, एक्सेस स्मॉल कैप, एक्सेस मिड कैप, एक्सेस ब्लू चिप, सब फंड के बारे में आपको यहां पता लगेगा इस वीडियो के अंदर कि चार ये जो फंड है इनके अंदर नई क्या बाइंग हुई है, किस तरह से जो चेंजेस आए हैं वो कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कहां पे ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, किनको हमें होल्ड करके रखना चाहिए और किन से हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। ये बहुत बहुत देखने वाली चीज़ है, तो आप यहाँ पे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और चलते हैं आगे। स्क्रीन पे एक बार जब आपको ले चलूँगा तो मैं आपको चारों फंड के बारे में बताऊँगा कि किस तरह से इनके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो आपके पोर्टफोलियो का इतना ख़राब कर सकते हैं कि आप बहुत बड़े नुकसान में जाने वाले हैं। और एक फ़ंड इनका ऐसा जो आप, एक फ़ंड नहीं कहूँगा, दो फंड ऐसे जो आप अगर रखते हैं तो इन द एंड आपको वो बेनिफिट ही देके जाएंगे। तो वो कौन से फंड हैं जो नुकसान दे सकते हैं, जो कौन से फंड हैं वो फ़ायदा दे सकते हैं और उनके बारे में बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं हम क्या करते हैं। यहाँ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, म्यूचुअल फंड का एनालिसिस हो गया और बेस्ट म्यूचुअल फंड, इस तरह की म्यूचुअल फंड के अराउंड वीडियो आती रहती है। और हाँ, और स्टॉक वाली वीडियोज भी आती रहती हैं जो आपको ये बताती हैं कि कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो अपने अभी मीडियन पी से भी नीचे चल रहे हैं, जो हम ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में और बढ़िया रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अभी नहीं करना, अभी और भी देखना है तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चलते हैं आगे। सब्सक्राइब आप बाद में कर दीजिएगा, पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई पेड सर्विसेज लेनी है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, कुछ भी बनवाना है आपको नंबर दिख रहा होगा। अब चलते हैं आगे और अब हम आ गए हैं स्क्रीन पे और यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये है हमारा ब्लू चिप फंड। और ब्लू चिप में आप ध्यान से देखो, ये जो येलो लाइन है ना और ये जो ये वाला एरिया है ब्लू एरिया और ये येलो लाइन, जो मैंने दो रेड लाइन ला ली हैं उन दोनों के बीच में आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये दिखेगा कि कैटेगरी एवरेज इससे बेटर रिटर्न आपको दे रहा है, ठीक है। यहाँ से लेकर ये बेटर परफॉर्म करता हुआ आया था यहाँ 2019 तक, उसके बाद इसने बहुत ख़राब परफॉर्म किया है पिछले दो या ढाई सालों में और यहाँ पे इन तीन सालों में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ समय में और इनका जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.163 है। और ये इतनी ख़राब परफॉर्मेंस रही है ना, देखो कैपिटल, लार्ज कैपिटलाइजेशन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, पैसा तो वहीं डल रहा है, लेकिन इतना ख़राब परफॉर्मेंस रहा है ना कि हम इसको यही कहेंगे कि आप इससे दूर रहिए, इसको हम डिटेल में जाके नहीं देखने वाले। बहुत सारे फंड आपको, एक पैसिव फंड भी इससे बेटर रिटर्न दे सकता है। तो अब वो फंड जो सबका फेवरेट रहा है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, शुरू में US मार्केट का फ़ायदा उठा के इसने ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट किए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ से देखो फिर से प्रॉब्लम शुरू हुई और प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत नीचे है। मैं हमेशा से कहता था कि जो इनका इंडियन मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन है वो बहुत बेकार है, लेकिन लोग नहीं मानते थे, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ होनी थी, इतना ख़राब रिटर्न दे रहा है पिछले कुछ समय में। ये आप नीचे एक बार ध्यान से देखो कि अगर आप गोल्ड में भी पैसा डाल देते ना तो भी, गोल्ड में आप डालते तो आपको 4.28 लाख मिलता और यहाँ पे 4.25 लाख, लगभग 2500-3000 रुपये का फ़र्क आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप इसकी कैटेगरी में डालते तो आपको कहाँ 90,000 मिल रहे हैं और कहाँ ये मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हम US मार्केट का वेट करना ही है तो हम US इक्विटी में ETF लेके बाय कर सकते हैं, उसमें आराम से हम खरीद लेंगे, ठीक है। इसके थ्रू हमें नहीं जाना, क्यों? क्योंकि ये फिर से इंडियन मार्केट में जो इसका स्टॉक सिलेक्शन है वो हमेशा से ख़राब रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखा जाए तो एक ये आता है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड, ठीक है। फाइनेंशियल में अच्छा खासा पैसा है, सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी और एक अच्छी बात है कि केमिकल में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है एक्सिस के जो म्यूचुअल फंड है। अच्छी बात यह है कि केमिकल में काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोजर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसके चक्कर में हम किसी खराब फंड को नहीं उठाने वाले। इन्होंने क्या क्या चेंजेस करे हैं देखा जाए तो इनके पास जो 81 फंड्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, 81 स्टॉक्स हैं और 44% टॉप 10 में हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा फोकस चलना बेटर रहता है। सभी जो टॉप के सेक्टर हैं उसमें इन्होंने अपना पैसा बढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे पिछले अगर कुछ टाइम से बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, सर्विस, टेक्नोलॉजी, केमिकल में इन्होंने थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर लिया है, बाकी सब में भी हल्का हल्का एक्सपोजर बढ़ा ही है, ठीक है। आप इसको यहाँ से कंपेयर मत कीजिए, आप पीछे फेब 2022 से देखा जाता है ये, ठीक है ना, आपको आराम से समझ आ जाए, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डेटा नहीं लिया, लेकिन इनमें सब में अभी तक पैसा बढ़ा है, ठीक है। और देखा जाए कहाँ पे ये अलग चल रहा है, ये जो अलग चल रहा है ना ये हमें बहुत बढ़िया लगता है, ये अलग चलना इसका काफ़ी अच्छा लगता है।
ठीक है, ये अलग चलना भी मुझे अच्छा लगता है। तो इनका स्टॉक सिलेक्शन खराब हो लेकिन सेक्टर में अच्छा ये पैसा डाल रहे हैं, स्पेशली एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। इन्होंने जो नया फंड लिया है, शाफलर इंडिया, इंडियन होटल्स, टोरेंट पावर, नेस्ले, बजाज फाइनेंस, ये चार तो इनके पास पहले से थे। जो एक चेंज आया है वो शाफलर का आया है, जो ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, छोटा सा ही चेंज है। कंप्लीटली किसी तरह में किसी में एग्जिट नहीं किया है, लेकिन HDFC बैंक में इनकी होल्डिंग अब कम है, ठीक है, और डीवीज लैब में भी होल्डिंग कम है, काफ़ी गिर रहा है ये, और टाटा एलेक्सी में भी कम है। ध्यान रखना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो तीन स्टॉक इन्होंने बेच दिए ना, HDFC बैंक, डीवीज लैब, टाटा एलेक्सी, इनको जो इन्होंने बेच दिया ना, इनको इसलिए बेच दिया क्योंकि ये अभी और ज़्यादा नीचे गिरेंगे। इनको कुछ स्टॉक्स ऐसे चाहिए होते हैं जो शॉर्ट टर्म में भी इनको अच्छे रिटर्न दे दें, और शॉर्ट टर्म में सारे इनके पास फंड ऐसे होंगे, स्टॉक्स ऐसे होंगे जो गिर रहे होंगे ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं इनके लिए। लेकिन ये तीन अगर स्टॉक हम लेना चाहें अपने पोर्टफोलियो में, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक सिलेक्शन हो सकता है ये तीन स्टॉक्स, ठीक है ना। होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा। और अगर नीचे जाएँ तो जैसे मैंने बोला कि इनमें से इसने एग्जिट किया है टाटा एलेक्सी में, तो जो पहले 5% था अब वो 4.78 रह गया है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो 8.7, पीआई इंडस्ट्री 6.1, और ये चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी, एवेन्यू सुपरमार्ट, टोरेंट पावर, कोई भी ऐसा नहीं है जो टॉप का हो। जैसे बजाज फाइनेंस में इन्होंने थोड़ा सा अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, सिर्फ थोड़ा सा, ठीक है, 2-4% की होल्डिंग को ही बढ़ाया है। उसके बाद इंडियन होटल्स की बात करें, टोरेंट पावर की बात करें, तो यहाँ पे इसमें भी थोड़ा सा इन्होंने एक्सपोजर लिया है टोरेंट पावर में ज़्यादा। इंडियन होटल्स टॉप में नहीं आता, ये टॉप में से अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस में इन्होंने थोड़ा सा दोबारा एंट्री ली है, और इन्होंने टोरेंट पावर में थोड़ी सी एंट्री ली है। ये तो हो गए जो दो फंड थे जिनसे हमें बाहर रहना है। अब जिनमें हम रह सकते हैं वो है एक्सिस मिड कैप। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है उतना ज़्यादा हाई भी नहीं है, और जहाँ पे ये मार्केट को बीट करने की बात है, कैटेगरी एवरेज को बीट करने की बात है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम ज़रूर आई है, लेकिन इसके अलावा ये कहीं पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नहीं दिखा इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत अच्छे से इसने अपने आप को संभाला है। और इसमें एक चीज़ और जो बढ़िया रहती है वो हमेशा ये रहती है कि भाई ये आपको डेट में भी पैसा डालने देता है, अपने आप ही डालता है जब मार्केट गिर रहा होता है, ठीक है ना। ये फंड आपको काफ़ी बेटर रिटर्न देगा, लेकिन हाँ अभी कैटेगरी एवरेज से पीछे चल रहा है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये अपनी कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा पीछे चल रहा है, बाकी कोई खास इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। डेट में अभी इसका ओवरऑल 13% है, और मिड कैप में इसका एक्सपोजर 65%, लार्ज कैप में 20%। सेक्टर फाइनेंशियल सर्विस, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, ये चार सेक्टर जो टॉप के सेक्टर्स हैं, ठीक है। ये इनके जो स्टॉक्स हैं, चोलामंडलम, ICICI बैंक, इंडियन होटल्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये चार स्टॉक्स हैं इनके जो हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मुझे जो कमी देखने को मिलती है, जो टॉप 10 स्टॉक में परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से 35% से ज़्यादा हो तो हमें एनालिसिस करने में बहुत आसानी होती है, हमें स्टॉक सिलेक्शन से काफ़ी कुछ समझ आता है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है। 63 में से अगर टॉप 10 की बात करें तो उसमें सिर्फ 30% पैसा ही गया हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा सा पैसा कम डला हुआ है, ये जो अब अच्छी बात है, इसमें थोड़ा सा कम रहे ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हम लार्ज कैप में भी ले लेते हैं, मिड कैप में भी हमें फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, तो हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जगह जगह। बाकी देखा जाए तो मटेरियल्स में, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर, डिस्क्रिप्शन में, ये सब जगह पर इन्होंने अपना जो अमाउंट है वो घटाया है, ठीक है। सर्विस, कैपिटल गुड, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, इन सेक्टर्स में इन्होंने ग्रोथ दिखाई है, इसमें ज़्यादा पैसा डाला है। और केमिकल्स, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, केमिकल सेक्टर अगर आपको चाहिए तो एक्सिस का एक आधा म्यूचुअल फंड आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिर से केमिकल सेक्टर बिल्कुल अलग चल रहा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में अलग चल रहे हैं। हाँ, हेल्थ केयर सेक्टर में ये नेगेटिव साइड है कि ये यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे, तो इस तरह से हम नहीं देख सकते चीज़ों को। नए स्टॉक्स में एंट्री करना और पुराने स्टॉक्स में से एग्जिट करना कुछ ऐसा हुआ नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ जो बड़े बड़े फंड्स हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबसे पहले सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की, तो सुप्रीम इंडस्ट्री में यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग हुई है, लगभग 10% के अराउंड बाइंग हुई है, और अब इसकी नई वैल्यू 613 करोड़ हो गई है। और उसके बाद और भी जो हम स्टॉक की बात करें, जैसे कमिन इंडियाज़ की बात करें, तो अब जो इसकी जो अब इसका है 487 है, इसमें लगभग 15% और बाइंग हुई है। तो ये नए स्टॉक्स हैं, पहले ही ओवरऑल ये टॉप पे थे और फिर से इनमें कुछ ना कुछ एंट्री की गई है, जैसे शाफलर में भी की गई है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा शाफलर इंडिया, ठीक है, ये रहा कमिंस इंडिया, सुप्रीम इंडस्ट्री, इनमें मैं येलो कलर कर देता हूँ जिनमें नई बाइंग हुई है, और ये पहले भी टॉप पे ही थे, ठीक है ना। ये तो हो गए जो टॉप पे थे और इनमें नई बाइंग हुई है।
और जो सेल करने की बात करें तो बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस में से इन्होंने थोड़ा सा एग्जिट किया है, लेकिन वो टॉप के 10 में नहीं आता। ACC की बात करें, कंटेनर कॉरपोरेशन, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सिटी यूनियन बैंक, ये कोई भी टॉप में नहीं आता, तो हम इसको ज़्यादा नहीं देखने वाले। इन्होंने बाकी जो नीचे फंड है उनमें से थोड़ा थोड़ा एग्जिट लिया है, तो इतना देखने वाली बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं एक ऐसे फंड पे जो अभी तक अपने कैटेगरी एवरेज से भी ऊपर चल रहा है, एक्सिस का फंड, एक्सिस स्मॉल कैप। इसके बारे में जाने बिना आपको जाने का, वीडियो ख़त्म करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो एक्सपेंस रेशो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। नीचे बात करें तो अपने कैटेगरी एवरेज से भी एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है, गोल्ड से भी और FD से भी, ठीक है। स्मॉल कैप में 65% लगभग इन्होंने पैसा डाला हुआ है। सेक्टर जो मैं आपको बोल रहा था, केमिकल सेक्टर का एक्सपोजर ले लो तो वो एक्सिस स्मॉल कैप हमें दे सकता है। हेल्थ केयर सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, बहुत कम आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे जहां ये आपको टॉप 4 में दिख जाएंगे तीनों सेक्टर, ठीक है ना। इन तीनों सेक्टर में हम पैसा अगर डालना चाहते हैं, हमें स्मॉल कैप भी चाहिए, तो ये फंड आपके लिए बेस्ट है। थोड़ा सा मैंने आपको बोला था कि यहाँ 35% हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन 32% है टॉप 10 स्टॉक्स में परसेंटेज। 81 स्टॉक्स हैं, काफ़ी पैसा इन्होंने डेट में भी डाला हुआ है, ठीक है। और अगर मैं नीचे जाऊँ केमिकल में, थोड़ा सा इन्होंने अभी एक्सपोजर कम किया है, पहले 16-17% था, अब यहाँ से देखा जाए तो 13% के अराउंड आ गया है। फाइनेंशियल में थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, हेल्थ केयर में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, और बहुत कम टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा कम हुआ है। बाकी कैपिटल गुड में बढ़ा है, मेटल माइनिंग और मटेरियल, इनमें भी हल्का हल्का एक्सपोजर इन्होंने बढ़ाया है। ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है कि नया एंटर हुआ हो या कम्प्लीटली एग्जिट हो गया हो, लेकिन चेंजेस काफ़ी देखने को मिले हैं यहाँ पे। हम सबसे पहले अगर ऊपर वाले स्टॉक्स की बात करें तो ब्लू स्टार टॉप 10 में है, ठीक है। इसमें हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, जिसके बारे में हम हमेशा तारीफ़ करते रहते हैं, हमने अलग से वीडियोज़ भी बनाई हैं, तो वहाँ पर भी इन्होंने नए स्टॉक्स ऐड किए हैं, ठीक है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, ये टॉप 10 में नहीं आएगा, कैनफिन होम नहीं आएगा और क्राफ्टमैन नहीं आएगा। और अगर मैं इधर बात करूँ, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, LTI माइंडट्री और सिटी यूनियन, ये सभी की सभी टॉप 10 में नहीं है। लेकिन एक बात करें तो फाइन ऑर्गेनिक की, हम इसकी भी बात हमेशा करते रहते हैं, तो इसमें से इन्होंने एग्जिट लिया है और इन दोनों की पोजीशन अब चेंज हो गई है। पहले गैलेक्सी सर्फेक्टेंट नीचे था, फाइन ऑर्गेनिक ऊपर था, अब इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है। इतना ही छोटा सा चेंज आया है एक्सिस स्मॉल कैप में, बाकी सब बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये तो थी कंप्लीटली एक्सिस के जो फंड्स थे उनकी कहानी, और लास्ट में हमने देखा एक्सिस म्यूचुअल फंड कितना अच्छा है स्मॉल कैप कैटेगरी में स्पेशली। और अगर आप स्मॉल कैप के बारे में और जानना चाहते हैं ना, तो आई बटन पे वीडियो छोड़ रहा हूं, उसको मिस मत करना, उसको जरूर देखना, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।